हाय ससुराल वालों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। हाय कांता चाची, आपने अपनी बीपी की दवाई ली? वो क्या है भाई कि वो सवेरे सवेरे मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने चला आता है तू? चल जा, जाके अपना रेस्टोरेंट संभाल। चाची जी, मैं बस ये कहने आया था कि मैं आपका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस, और महक के 50 फुट के दायरे में नहीं आऊंगा, लेकिन 3 चीजें जरूर करूंगा। पहली, मैं महक से आज का दिन खत्म होने से पहले मिलकर बात करूंगा और अपने दिल की बात उसको बताऊंगा। दूसरी, कल तक महक वापस आकर इस फूड ट्रक पे काम करेगा, क्योंकि वो उसका सपना था। और तीसरी, बहुत जल्द वो अपनी मर्जी से मुझसे मिलने आएगी और आप लोगों के सामने मेरा हाथ पकड़ेगी। ना मैं ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तोड़ूंगा और ना ही महक करके, लेकिन हमको ये जो दूर करने की आपकी कोशिश है ना, ये जरूर नाकाम होगी। ये वादा शौर्य खन्ना का आपसे। वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिटना। पापा जी, महक ठीक है? मैं हर घंटे 1.5 घंटे में आपको फोन करती रहूंगी, चेक करूंगी जी, हैं? आप सो तो नहीं जाओगे ना? कांता पुत्र, तू फिकर मत कर, तो मैंने अपनी आंखें खुली रखी हुई हैं, तो मेरा मतलब है कि मैं जाग रहा हूं। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए, ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं? अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या? तुम्हारा नाक, नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी बात